तुम्हारे मम्मी पापा क्या करते हैं? पापा नहीं है, वो मम्मी। अच्छा पापा नहीं है। कोर्ट पहुंच गए हैं, यहाँ का प्रोसेस देखते हैं फटाफट जल्दी, इसीलिए तो मैं कहता हूँ खाया करो। यहाँ पे भैया लोग एकदम तुरंत ताजा ताजा बना के दे रहे हैं, बहुत अच्छा। चार दिन खाए लेकिन कंफ्यूजन है साला, पता नहीं चल रहा कि भूख में कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नहीं सोचे मत, सब्सक्राइब कीजिए। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग वीडियो। तो मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी सेफ एंड सेफ होंगे। तो फ्रेंड्स फाइनली जो है कि एकदम बिल्कुल अपना नहाना धोना हो गया और नाश्ता भी हो गया और पूजा पाठ भी हो गया। तो फ्रेंड्स सब निकलते हैं काम के लिए, क्योंकि हम एक दिन भी रूम पे नहीं रह सकते, क्योंकि काम ही अपना ऐसा है, डेली बाहर जाना है तो जाना है। ओके गाइस, ले रही अपनी गड्डी, चलते हैं। जय बजरंगबली, जय हो संकट मोचन महाराज जी की जय हो। तो फ्रेंड्स आज जो है कि वीरवार है और वीरवार के दिन यहाँ पे बहुत भीड़ होती है। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, अभी उतना भीड़ नहीं है, लेकिन शाम होते होते यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग आ जाते हैं और यहाँ माड़ी पे जो है कि लोग यहाँ पे मत्था टेकते हैं। लोगों का बहुत ही विश्वास है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और बहुत अच्छा लगता है। अगर आसपास मोहाली के आसपास आप भी रहते हैं तो आप भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। तो फ्रेंड्स आज कहीं जाना है इन लोगों को, तो ये लोग जो है कि हमको कॉल करके सुबह ही बोल दिए थे। तो मैं इन्हीं लोगों का वेट कर रहा था रूम पे, तो ये लोग उधर बाइक रख के आ रहे हैं। मैं बोला यहीं पे बाइक रख दो, फिर कहाँ जाना है तो फिर चलते हैं। तो फ्रेंड्स आज गुलशन जी भी है, अंसारी जी भी है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पप्पू भाई जी, हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और पप्पू जी कैसे हैं? मैं तो बिल्कुल मस्त हूँ। मस्त हो, चलिए बढ़िया। और गुलशन भाई क्या हालचाल है? सब बढ़िया, बड़े दिन के बाद आप आए। टाइम ही नहीं मिल रहा था। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, कोई नहीं। ठीक है, फिर कहाँ जाना है आज? अरे आज एक गाड़ी का चलान कट गए, दो महीने हो गए। अच्छा, भरना है। दो महीने हो गए, लाइसेंस जमा है, लाइसेंस लेना जरूरी है ना। मतलब अब चलान काट कर गाड़ी सीज कर लेगा सब। मेरे पास भी लाइसेंस नहीं, पता नहीं कहाँ खो गया, मिल ही नहीं रहा। मैंने बहुत ढूंढा, मैं और कोई फोटो वोटो भी नहीं पड़ा हुआ है। फिर अप्लाई कैसे करेंगे? अब देखते हैं, नया बनवाएंगे इसे, कहीं से कुछ करेंगे। अच्छा, क्योंकि बनवाना तो पड़ेगा ही। आप बिना लाइसेंस कैसे काम चलेगा? बिना लाइसेंस का काम तो चलेगा, हमेशा गाड़ी चलाना है तो लाइसेंस जरूरी है भाई। इस तो कोर्ट चलते हैं हम लोग। हाँ चलते हैं, लाइसेंस निकलवाते हैं। जाते हो, यही सारा दिन करते हो? तुम्हारे मम्मी पापा क्या करते हैं? पापा नहीं है, वो मम्मी। अच्छा पापा नहीं है, वो मम्मी। अच्छा अच्छा, गुब्बारा कितने का बेच रही है? चेंज पैसे हैं? चेंज भाई, अरे लाइट आ गया भाई, दस 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 बजे के पड़ते दोस्तों। ये हम लोग आ गए सुहाना गुरुद्वारा, ये बहुत फेमस जगह है, गुरुद्वारा है ये मतलब मोहाली का, मतलब बहुत फेमस ये सुहाना, तो यही गुरुद्वारा का मेन गेट है ना पापा जी? यही गेट है ना मेन? बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा। फाइनली फ्रेंड्स हम लोग कोर्ट पहुंच गए हैं, यहाँ का प्रोसेस देखते हैं फटाफट जल्दी। तो फाइनली फ्रेंड्स जो है कि हम लोग कोर्ट के अंदर गए चलाल डिपार्टमेंट में, वहाँ पर फाइन तो जमा हो गई, रसीद भी कट गई, बट लाइसेंस मिला नहीं। उन्होंने बोला कि 3 महीने बाद मिलेगा, 3 महीने के लिए आपका लाइसेंस जब्त किया जा रहा है, 3 महीने बाद आप एक पर्ची लेके आना, रसीद, उसके बाद आपको मिल जाएगा। तो मैं आपको पर्ची दिखाता हूँ, अंसारी जी अपने लिए, ये तो वो वाली पहले से, ये तो अपने पास पहले से थी, तो उन्होंने ये लाल मोहर लगा के, लाल स्टैम्प लगा के यहाँ पर कुछ लिख दिया, और ये जो हम लोगों ने जो 1000 रुपये जमा किए और रिसिप्ट उसका मिला हुआ है। तो फ्रेंड्स घबराने की कोई बात नहीं है, 3 महीने के बाद मिल जाएगा। लोगों का भी किसी का चलान कटा है ना, तो सुबह 9 बजे चलान डिपार्टमेंट में आ जाओ, 9 से 12 चलता है, उसके बाद क्लोज हो जाता है।
और 12 बजे के पहले ही टोकन मिलना भी बंद हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, कि अभी लंच का टाइम हो गया है, 12:22 हो रहा है, तो अभी आधे घंटे बाकी हैं। बट हम लोग ऐसी लोकेशन पे आए हैं यहाँ पे जो है कि मक्के दी रोटी और साग मिलता है ज़बरदस्त। तो अंसारी जी कभी खाए नहीं थे, मैं तो पहले भी 2-3 बार खा चुका हूँ। तो अंसारी जी बोले कि मुझे भी भाई मक्के दी रोटी और साग खाना है, तो आगे आगे जा रहे हैं, पीछे से मैं भी जा रहा हूँ। मक्के दी रोटी और साग खाने वाले हैं और यहाँ पे आ गए हैं, 2 प्लेट खाएंगे। गुलशन जी मना कर रहे हैं, उनको अच्छा नहीं लगता, नहीं खाएंगे, तो हम लोग 2 प्लेट खाएंगे, उसी में से थोड़ा सा टेस्ट करवा देंगे। अगर बोलेंगे और चाहिए तो नहीं, खाना भी चालू कर दिए। ये आ गया अपना मक्के दी रोटी और साग, इसमें मूली है, गाजर है और मक्खन है, बहुत कुछ है, हरी मिर्च भी है। तो अंसारी जी कैसा लगा, मज़ा आया खा के? टेस्टी है ना, इसलिए तो मैं कहता हूँ खाया करो। यहाँ पे भैया लोग एकदम तुरंत ताज़ा ताज़ा बना के दे रहे हैं, बहुत अच्छा है। वहाँ मिलता नहीं है ना अपने तरफ, ये अगर आप भी खाना चाहते हो तो सुहाना कोर्ट के साथ में ही है। हम लोगों ने मक्के दी रोटी और साग खाया, मज़ा आया। मैं तो 2 रोटी खाया, अंसारी जी 4 खाए, 4 तो खाए, लेकिन भी कंफ्यूजन है सर, पता नहीं चल रहा कि मेरे भूख में कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात, कभी लगता है पेट भर गया, खाली अजीब है साला, मक्की की रोटी खाली, मतलब पता नहीं चल रहा है, जैसे रहता है ना बाकी खाली, पेट भर जाता है। मैं तो बोल रहा था और ले लो और ले लो, कंफ्यूजन में ज्यादा खाने का भी मन नहीं कर रहा था ना, खाने का मन नहीं कर रहा, शर्म लग रहा था। अब जैसे अब ये चीज है ना, मक्की 4 रोटी खा ली है, अब आगे जा खाने का मन नहीं कर रहा है, अब पता भी चला साला भूख, पता भी नहीं चल रहा पेट भरा कि नहीं भरा, कंफ्यूजन है। लेकिन ऐसा नहीं है, दूसरा आइटम खाएंगे तो खा लेंगे, अभी खा लेंगे। कहाँ से आते हैं ये? और खिलाना पड़ेगा दूसरा आइटम, मतलब मक्की रोटी सबसे ज्यादा साग छोड़ के दूसरा, इससे मन मतलब भर गया लेकिन पेट नहीं भरा, पेट नहीं भरा, मन भर गया पेट नहीं भरा। तो फ्रेंड्स फाइनली हमारे अंसारी जी का जो है ना मन भर गया लेकिन पेट नहीं भरा, बोले दूसरा आइटम मिल जाए, दूसरा आइटम मिल जाए तो ये और खा लेंगे। वाह, इसीलिए मैं बोलता हूँ हमारे अंसारी जी पेटू अंसारी जी। ओके फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करके बताइएगा हमारे अंसारी जी कैसे हैं, पेटू हैं या बस नॉर्मल हैं? अब सोच लीजिए आप, 4 मक्के दी रोटी खाएं, साग खाए हैं और उसके बाद में बोल रहे हैं कि अगर दूसरा आइटम मिल जाए और खा लूंगा। नया मॉल खुला है आपको, कौन सा सेक्टर है? 81 में, 81 में होमलैंड का, बहुत बेहतरीन है मॉल है, अंदर से बहुत फैसिलिटी जाया है। अभी हम लोग गए नहीं, अभी गए नहीं है कभी, लेकिन जाएंगे मौका मिलेगा तो, अभी तक कभी जाने जाने का अंदर मौका नहीं मिला। क्या ये गाड़ी चलते हैं मैडम? नहीं, जब भी कुछ खरीदेंगे तो रात में चलेंगे, नाइट नाइट में चलेंगे, नाइट में मजा आएगा। बहुत बढ़िया बना रखा है, बहुत खूबसूरत है। फाइनली गाइज, मैं जो है कि रूम पे आ चुका हूँ और टाइम हो गया है बहुत ज़्यादा, 10:30 बज गए हैं रात के, आने में मुझे ऑलमोस्ट हमेशा देर ही हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज की रही ये हमारी दिनचर्या जो आपने देखा, तो फ्रेंड्स आपको पसंद आई हो, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं चाहूँगा इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करें, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। हम तो छोटे लोग हैं, हम तो सिर्फ वीडियो ही बना सकते हैं। मोर्निंग कॉल।